ये देखो यार, ये बहुत गलत बात है यार। अपने जहाँ पर घूमते फिरते विजिट करते वहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग, दिस इज विक्रम, यू आर वाचिंग बिजी लाइफ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, ऑलरेडी टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम विजिट करने वाले हैं वस्त्रा लैब। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब और गूगल पे सर्च मारा लेकिन बहुत सारे वीडियोस को नहीं मिले, तो मैंने सोचा चलिए हम ही क्यों नहीं एक्सप्लोर कर लेते। अभी फिलहाल मैं हूँ जिम में और मैंने आज का वर्कआउट कम्प्लीट कर लिया, मेरी टी शर्ट देख के आप समझ रहे होंगे। तो अभी मैं पहले निकलूंगा घर और रिफ्रेश होऊंगा, उसके बाद हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं हो गया रेडी और मैंने पहन लिया टी शर्ट एंड ब्लैक जींस। तो अभी चलते हैं, मैं आपको रूट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो वस्त्रा लेक जो है वो वस्त्रा गांव का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में आया हुआ है। तो अभी निकालते हैं बाइक और मैं उसी रूट से जाने वाला हूँ, आपको मैं रूट भी दिखा देता हूँ। सो फाइनली हम पहुंच गए, पीछे में देख रहे हो आपको ये जो गेट है यही वस्त्रा लेक का मेन गेट है, और ये जो रोड दिख रहा है आपको साइड जो मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा वहां से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आता है, और ये पास में ही है उसके वस्त्रा लेक मेट्रो स्टेशन के पास में। तो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अब। मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है वस्त्रा लेक, ये पूरा राउंड में पूरा लेक बनाया गया और उसके आजू बाजू गार्डन है। जैसे यहाँ पे किनारे पे गार्डन है तो ऐसे चार और किनारे पे गार्डन भी बने हुए, और ये जो पूरा राउंड आप सर्कल लगा सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो, इतना वॉकिंग डिस्टेंस भी रखा गया। खुद वॉकिंग कर रहा हूँ यहाँ पर पूरा व्यू देखते हुए, यहाँ का व्यू चलते समय आपको देखो ये बाजू आपको लेक दिखेगा और यहाँ आजू बाजू आपको देखो ग्रीनरी दिखेगा, मतलब बहुत बेस्ट व्यू होता है। आप चलते हुए और एक्सप्लोर करते हुए बहुत अच्छा लगता है आपको। और इसकी थोड़ी डिटेल दे दो तो इसका ओपनिंग आई थिंक 2016 में हुआ था, और हमारे यहाँ के गुजरात के होम मिनिस्टर ने इसकी ओपनिंग की थी, और पहले इसके पहले यहाँ पर शायद आई थिंक कुछ था नहीं, हाँ ये थोड़ा बहुत तो पानी जैसा यहाँ पर था लेकिन इस तरह बनाया नहीं गया था। उसके बाद इसको इस तरह एकदम प्रॉपर बनाया गया जिससे यहाँ पर आकर लोग विजिट कर सके और अपना टाइम अच्छा सा स्पेंड कर सके। प्लेग्राउंड बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी राइड्स भी रखी गई है, देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारी राइड्स है छोटे बच्चों के खेलने के लिए, बहुत अच्छा है ये। तो यार यहाँ पे इवनिंग में आकर फैमिली के साथ बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलते हुए मैंने पूरा राउंड ही कंप्लीट कर लिया, देखो मैंने वहां से स्टार्ट किया था और यहाँ तक मैं एंड तक पहुंचा था, अभी मेन गेट आने वाला ही है। और अभी दोपहर के 12 बजे हुए, तो यार चलते हुए मेरी तो हालत थोड़ी खराब हो चुकी है। ये देखो यार, ये बहुत गलत बात है यार। अपने जहाँ पर घूमते फिरते विजिट करते वहीं पे इतना सारा कचरा निकलता है, ये देखकर बहुत खराब लगता है। तो प्लीज यार सब लोग से निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये सब चीजों में अपनी ही सारी चीजें गंदी होती है और फिर देखने के लायक कोई चीजें ही नहीं बचती है। तो प्लीज ऐसी कोई सी तरह की गंदगी अपने विजिटिंग अच्छे प्लेस पर ना करें। ये लोग को ध्यान देना चाहिए ना, जब यार कचरा नहीं फेंकने का सफाई होता है तो तुम कचरा मत फेंको, मेहनत खुद भी नहीं बोलता है, मेहनत हमें होता है ना, हम लोग कितना मेहनत से साफ करता है तो ये लोग सुधारते नहीं है कचरा, यार मत फेंको मत फेंको, हम लोग कितना दफा बोलता है सुनते नहीं ये लोग, क्या करो। अब ये सब चीजें यहाँ क्यों फेंकनी चाहिए जब हम यहाँ घूमने आ रहे हैं, क्या मालूम है ये लोग को, तो हमारा तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, हम लोग सफाई करता है इतना मेरे को मालूम है, मतलब महीने में 3-4 बार तो सफाई करता है, 4 बार तो सफाई करता है अंदर, हम लोग महीने में 4 बार आता है सफाई करने के लिए, या तो देख रहे हो करके जाता हूँ, ये कचरा भी निकाल के अभी ले जाओ ना तो कोई भी आके फिर फेंकेगी, हम लोग क्या कर सकते, जुमादार कुछ भी नहीं बोलता है,
हाँ यार, तो सही बात है यार। तो यार थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको, खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हाँ वो तो बराबर है, क्योंकि पब्लिक पे भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। हाँ हमको खुद ही ध्यान रखना चाहिए। समझती है तो आप क्या बोलते हो, गार्ड वाला सफाई वाला क्या करेगा? यस यार, उनका काम है साफ करना, अच्छी, और हमारा भी तो काम है कि हम गंदगी ना फैलाए, बहुत जरूरी बात है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं चाहूंगा इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यार और सारे ब्लॉग भी चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए प्लेस एक्सप्लोर करता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्लेस के साथ, तब तक ट्रैवल करते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए।